गेहूं के निर्यात एवं महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों की मैदा मिलों की मांग से भावों में तेजी का वातावरण बनने लगा है। मैदा मिलों एवं खेरची व्यापारियों को खाद्य निगम के गेहूं पर निर्भर रहना पड़ेगा। जानकार क्षेत्रों के अनुसार बांग्लादेश एवं इंडोनेशिया के गेहूं में जोरदार मांग बनी हुई है। बाजार में ऐसी चर्चा है कि यही गेहूं पाकिस्तान भी जा रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध अच्छे नहीं है। मध्य प्रदेश से बड़ी मात्रा में गेहूं निर्यात में जा रहा है। दूसरी ओर मिलों को बेहतर क्वालिटी का मैदा बनाने के लिए खाद्य निगम के गेहूं के साथ लोकवन गेहूं भी मिलाना जरूरी है। इससे भावों में तेजी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।